हम जस्ट अच्छा, वॉक के लिए निकल रहे हो तो मैं अभी गेट में से अंदर आ रही हूँ तो लॉबी में मिलते हैं। ऑलरेडी प्रोग्राम बना के आई थी कि दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है। मैं ठीक है, मैं तो हम नीचे आ रहे थे तो लॉबी में मिले तो अच्छा पापा आप तो वॉक कंटिन्यू कीजिए, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, और निकल गई। फिर वो रात को आई तो हमारा तो 11:15 बजे आई, 11 बजे हमारा बेड टाइम हो जाता है तो फिर भी मैंने उससे समय दिया नोट कीजिए, मैंने उससे समय दिया 45 मिनट्स का, तब तक मेरी बैटरी फुल, बैंडविड्थ जीरो हो गई थी। गुड नाइट बेटा। बच्चे वैसे भी दूर रहते हैं, जब आते तब भी उतना वक्त स्पेंड नहीं कर पाते, वक्त मिल नहीं पाया, हालांकि बच्चे भी चाहते हैं कि हमें वक्त दे जी। अब बताइए आपका आपके बच्चों के साथ मिलना कितना दिनों में होता था? जब आता था 6 महीने के बाद तब उसका कुछ 20 डेज का स्टे होता था और वो 4 साल ऐसे चला। फिर जब उसका जॉब हो गया, वो बैंगलोर चला गया, तो अगेन सेम की छुट्टी नहीं होती दिवाली पर जैसे, तो कुछ 6 साल के बाद हमने यू नो दिवाली इकट्ठी मनाई, 2014 की पहली दिवाली। और आप मानेंगे मतलब मैं तो जैसे उड़ रही थी, जो शॉपिंग करना, रंगोली बनाना, घर सजाना, और हमें नहीं पता था लेकिन परमात्मा अपनी रचना रचते हैं कि वो लुधियाना की हमारी लास्ट दिवाली होगी, उसके बारे में लुधियाना मतलब 2014 या की, और हम 2015 में 2014 में नवंबर में 1 महीने बाद में बॉम्बे आए। अनुज कैसे मुंबई आए? जॉब की वजह से आप मुंबई आए। फिर आपका बड़ा बेटा था बैंगलोर में जॉब के लिए और छोटा बेटा था नोएडा में, लेकिन उस समय बड़ा बेटा पुणे शिफ्ट हो चुका था, 8-9 महीने बैंगलोर, फिर उसका शिफ्ट पुणे हो गया। अच्छा, तो मुंबई पुणे थोड़ा नजदीक तुरंत हो गया, मतलब वो दिवाली के बाद मनोज मुंबई आए, उसका बैंगलोर से पुणे हो गया। अच्छा, तो फिर पुणे एंड मुंबई में बहुत एंजॉय करती थी, ट्रिप्स बहुत फ्रीक्वेंट होते थे अर्चित के, अर्पित को हम बहुत मिस करते थे, लेकिन उस समय वो नोएडा में था तो वो उतना फ्रीक्वेंटली नहीं आ पाता था, पर फिर भी आता था। तो जब वो IMT हो गया उसका, गाजियाबाद कैट के एग्जाम्स ये वो, फिर पता था, मैं खुश थी, हम दोनों बहुत खुश थे कि वो सक्सेसफुल है बाय गॉड्स ग्रेस, लेकिन ये था कि अब ये जाएगा। तो जब वो पुणे से बॉम्बे आया, सारा सामान शिफ्टिंग एंड ऑल, और जब फिर उसको एक्चुअली दिल्ली के लिए निकलना था, किसको, बड़े को, बड़े को, अच्छा MBA करने के लिए, ओके, उसको अर्चित अभी चेन्नई से बैंगलोर, बैंगलोर से पुणे, पुणे से दिल्ली गाजियाबाद फॉर हिज हायर स्टडीज। तो जो मिलने वाली बात आई, मतलब वहीं पे आके फिर गाड़ी रुक गई ना, कि इतने सालों के बाद अभी पुणे मुंबई वाज लाइक कि मैं शक्ल देख सकती हूँ। लेकिन एक अंदर से हिम्मत ये साथ दे रही थी कि दोनों भाई साथ में रहेंगे, बस मैं किसी ना किसी रीजन को ढूंढ के दिल्ली आ जाती। बहुत चक्कर लगे, महीने में एक दो बार दिल्ली, कभी फ्लाइट लेकर आना ही, और इतने रिलेटिव्स हैं, इतने फ्रेंड्स हैं, मतलब कहीं भी आके रहना, और रीजन सिर्फ ये कि बच्चों को। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की, हाउ कुड यू? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू? और नहीं भाई, भाई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। भाई यहां ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती, देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है, इतनी बुरी हो सत्या। तेरी शादी में
इच्छा से।